वेलकम टू सोशल। अल्वारो मोर्ते को आज हर कोई प्रोफेसर के नाम से जानता है। मनी हाइस्ट से पॉपुलर होने के बाद ही बिकेम अ सेंसेशन और अब उनके पूरे वर्ल्ड में फैंस हैं। वी आर श्योर कि इंडिया में उनका फैन बेस सबसे बड़ा है क्योंकि एवरीवन सीम्स टू लव द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर। पर मनी हाइस्ट के अलावा अल्वारो के बारे में फैन ज्यादा नहीं जानते हैं। उनकी एक्टर बनने की जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है एंड वेयर ही इज टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ प्योर हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीफ। इस वीडियो में हम आपको अल्वारो के बारे में 15 फैक्ट्स बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कैसे इंजीनियर बनने के बाद अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू की, कैसे उन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर को बीट किया और कैसे अल्वारो ने प्रोफेसर के रोल को मास्टर किया। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, अल्वारो का बर्थ स्पेन की सिटी एल्जेरिसाज में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd of February इन 1975। अल्वारो एक मिडिल क्लास स्पैनिश फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका एक्टिंग से कोई रिलेशन नहीं था। हिज जर्नी इज क्वाइट इंस्पायरिंग दैट यू विल गेट टू नो इन द अपकमिंग फैक्ट्स। नंबर 2, मनी हाइस्ट की पॉपुलैरिटी के बाद आज सब अल्वारो को प्रोफेसर के नाम से बुलाते हैं। इसी वजह से उनका रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे उनका स्क्रीन नेम तो अल्वारो मोर्ते है, मगर दिस इज नॉट हिज रियल नेम। जब वो बॉर्न हुए थे तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम अल्वारो एंटोनियो ग्रासिया रखा था। अल्वारो ने इसी नेम के साथ सिनेमा में डेब्यू किया था। इफ यू वॉच हिज ओल्ड फिल्म्स तो एंड क्रेडिट्स में उनका यही नाम मेंशन है। 2008 में उन्होंने अपना स्क्रीन नेम अल्वारो एंटोनियो ग्रासिया से अल्वारो मोर्ते रख लिया। The professor. No criminal record, no registration. Hasn't renewed his ID since he was 19. For all intents and purposes, a ghost. Number 3. अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अल्वारो ने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। मनी हाइस्ट में भी आपने देखा होगा दैट अल्वारो हैज एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जिसकी वजह से ही इज एबल टू मास्टर द लिटिल मोस्ट डिटेल्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान। शायद इसी वजह से अल्वारो सीम्स टू बी सो कम्फर्टेबल इन हिज कैरेक्टर। नंबर 4, कुछ टाइम इंजीनियर की जॉब करने के बाद अल्वारो डिसाइडेड टू क्विट। वो आगे एक्टिंग परसू करना चाहते थे, जो उनका हमेशा से एक हिडन पैशन रहा था। जब उन्होंने अपनी जॉब से काफी सेविंग्स कर ली तो उन्होंने फिर उसे क्विट करके एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। एक्टिंग सीखने के बाद उन्होंने स्पैनिश फिल्म्स एंड शोज में एक्टिंग करने का डिसीजन लिया। काफी स्ट्रगल करने के बाद उनको अपना पहला रोल मिला इन द फिल्म हॉस्पिटल सेंट्रल, वेयर ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ फायर फाइटर। नंबर 5, उनकी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस यानी वो रोल जिसे सब उनको रिकॉग्नाइज करने लगे वॉज इन द फेमस स्पैनिश फिल्म लोला द मूवी। दिस वॉज अ बायोपिक ऑन द सिंगर लोला फ्लोरेस, वेयर अल्वारो प्लेड द लव इंटरेस्ट ऑफ लोला। फिल्म में उनका रोल हालांकि छोटा था, मगर हिज परफॉर्मेंस वॉज हाईली अप्रिशिएटेड। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द सिंगर लोला फ्लोरेस इज द ग्रैंड मदर ऑफ हिज मनी हाइस्ट को स्टार अल्बा फ्लोरेस, जो नैरोबी का कैरेक्टर प्ले करती है। द शोज की करियर के स्टार्टिंग से ही मनी हाइस्ट उनके साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा रहा, विच सेज अ लॉट अबाउट लक एंड डेस्टिनी। नंबर 6, After giving a strong performance even in a minor role in Lola the movie, it was believed that Alvaro will soon establish himself as a popular actor in the Spanish film industry. But life had a different plan. 2011 में अल्वारो सडनली बहुत बीमार हो गए और उन्हें फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तो उनके लेफ्ट लेग में कैंसेरियस ट्यूमर रिपोर्ट हुआ। डॉक्टर सेड कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर है और इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। दे वर नॉट वेरी होपफुल एंड अल्वारो हिमसेल्फ स्टार्टेड वॉन्डरिंग दैट ही माइट नॉट लिव लॉन्गर। लेकिन अल्वारो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वी ऑल नो कैंसर जैसे एक डेडली डिजीज का ट्रीटमेंट इज वेरी पेनफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट अल्वारो वॉज रेडी टू फाइट टिल द एंड। उन्होंने ट्रीटमेंट के हर स्टेज पर डॉक्टर्स के साथ बहुत कोऑपरेट किया एंड फाइनली ही वॉज एबल टू ओवरकम द ट्यूमर। उनकी लाइफ का ये इंसिडेंट हमें बताता है कि अल्वारो एक ट्रू सर्वाइवर है। उनकी डिटर्मिनेशन और पेशेंस इज बियॉन्ड प्रेज। और उनकी लाइफ के सेगमेंट को जानने के बाद आर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। नंबर 7, कैंसर को ओवरकम करने के बाद अल्वारो डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज लाइफ फ्रेश। उन्होंने 2012 में अपना अटेंशन थिएटर की तरफ किया। इस थिएटर ग्रुप का नाम 300 पिस्टोलास था और इसे अल्वारो ने अपनी वाइफ ब्लांका क्लेमेंटे के साथ शुरू किया था। अल्वारो इस ग्रुप में एक्टिंग, डायरेक्शन एंड इवन एक्टिंग क्लासेस भी देते थे और एक फेमस एक्टर बनने के बाद आज भी वो अपने ग्रुप में एक्टिव है। नंबर 8, लाइफ की सेकेंड इनिंग्स में अल्वारो को हर तरफ से सक्सेस मिलना शुरू हो गई। उनको 2014 में स्पैनिश के लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो एल सीक्रेटो में एक फिजिशियन का रोल मिला।
इस रोल को ऑडियंस ने पसंद किया एंड सून अल्वारो बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड एक्टर्स ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री। नंबर 9, एल सीक्रेटो के खत्म होने के बाद अल्वारो को अपने करियर का सबसे बड़ा रोल ऑफर किया गया और शो का नाम था लकासा दे पपेल, जिसको आज मनी हाइस्ट के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। शो में उन्हें प्रोफेसर का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, जो एक बैंक रॉबरी प्लान करता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो शो में काफी एक्सपीरियंस्ड है एंड दैट रियली हेल्प्स हिम टू प्लान ऑल द हाइस्ट। मेकर्स की रिक्वायरमेंट थी कि प्रोफेसर के कैरेक्टर के लिए एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर लिया जाए जो एज में भी 45 प्लस हो। अल्वारो को जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो एज वॉजंट अ फैक्टर, बट उनके काफी ऑडिशंस लिए गए। ऐसा नहीं था कि अल्वारो को सिर्फ पहले ऑडिशन में ही फाइनलाइज कर लिया गया। इट टुक हिम 5 ऑडिशंस एंड अ वेट ऑफ अ फ्यू मंथ्स। इसके बाद जाके अल्वारो को शो में प्रोफेसर के लिए कास्ट किया गया। नंबर 10, एक इंटरव्यू में अल्वारो ने बताया था कि उनका फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन बहुत खराब हुआ था। उन्होंने प्रोफेसर के कैरेक्टर को बिल्कुल रॉन्ग वे में इंटरप्रेट किया था। उनको लगा कि डायरेक्टर्स कोई ओशंस 11 से इंस्पायर्ड शो बना रहे हैं और उनका कैरेक्टर जॉर्ज क्लूनी से सिमिलर होगा। इसीलिए जब उन्होंने पहले अपना ऑडिशन दिया तो अल्वारो जॉर्ज क्लूनी की तरह एक्ट कर रहे थे और मेकर्स को ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगी। नंबर 11, Everyone of us knows Alvaro as professor, but क्या आप जानते हैं कि रियलिटी में भी अल्वारो एक प्रोफेसर की पोजीशन पे काम कर चुके हैं। अल्वारो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में लिटरेचरेट और स्टेज मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। लाइफ हैज कम फुल सर्कल फॉर हिम as he started out as a professor in real life and now he is a professor in real life as well. Number 12, जैसा कि हमने आपको बताया कि अल्वारो एक थिएटर एक्टर भी है। थिएटर में स्क्रिप्ट्स को बहुत थरली पढ़ा जाता है, इसलिए जब उन्हें मनी हाइस्ट की स्क्रिप्ट मिली तो उन्होंने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा और खुद ही सभी कैरेक्टर्स इमेजिन करने लगे। उसके बाद उन्होंने मेकर्स को चेंजेस करने का फीडबैक दिया। जब शो की रिहर्सल स्टार्ट हुई तो उनकी और पेड्रो यानी कि बर्लिन के साथ दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंपैटिबल लग रहे थे कि अल्वारो को लगा उन्हें शो में ब्रदर्स का रोल प्ले करना चाहिए। वेल, दिस वाज अ रियली नाइस सजेशन एंड जब हम शो भी देखते हैं तो वी आर वेरी मच मूव्ड बाय द रिलेशनशिप ऑफ पेड्रो एंड प्रोफेसर। आप भी हमें बताएं कि वाज दिस अ गुड चेंज? आपको पेड्रो और प्रोफेसर का ब्रदरहुड कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। नंबर 13, अल्वारो से एक इंटरव्यू में पूछा गया था दैट आउट ऑफ ऑल द सीजंस ऑफ मनी हाइस्ट व्हिच वन इज हिज फेवरेट। अल्वारो ने कहा कि उनका फेवरेट है द फर्स्ट सीजन। He said कि फर्स्ट सीजन को बनाते वक्त ऑडियंस का बिल्कुल प्रेशर नहीं था एंड इसीलिए फर्स्ट सीजन एक यूनिक फीलिंग थी। आज जब शो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो चुका है सो अल्वारो फील्स समवट प्रेशराइज्ड। व्हाट अबाउट यू? आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है? डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स। वी ऑल नो प्रोफेसर का कैरेक्टर कितना कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कैरेक्टर आर्क हमको बहुत कम शोज में देखने को मिलती है और ऐसे कैरेक्टर को पुल ऑफ करने के लिए अल्वारो हैड टू वर्क रियली हार्ड। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनको कौन से सीन को करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई। इसके रिप्लाई में ही सेड कि सीजन 3 का एंडिंग सीन वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। उस सीन में कुछ ऐसा होता है जहां प्रोफेसर को पता चलता है कि रकेल का मर्डर हो चुका है। सो टू रिएक्ट इन दिस सीन वॉज द टफेस्ट पार्ट। इस सीन में उनको काफी इमोशंस को दिखाना था, जैसे कि सैडनेस, गिल्ट और एंगर, और इन सबको एक ही सीन में करने के लिए अल्वारो को बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ी थी। नंबर 15, मनी हाई से पॉपुलर होने के बाद अल्वारो अब फिल्म्स में भी हाई ऑन डिमांड चल रहे हैं। 2018 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में लीड रोल प्ले किया था और इस फिल्म का नाम है मिराज। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसको क्रिटिक्स ने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इसके बाद वो अमेज़न के शो द व्हील ऑफ टाइम में एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ही विल चूज इन द फ्यूचर। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपको अल्वारो की परफॉर्मेंस मनी हाइस्ट के न्यू सीजन में कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप अपने फेवरेट एक्टर पर फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। जिस एक्टर पर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उस पर जरूर फैक्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम बहुत ही यूनिक कॉन्टेंट पोस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।